दिवाली की रात थी, पर जगदीश के घर में बिल्कुल सन्नाटा था। घर में ना कोई शोर, ना कोई सजावट और ना ही कोई जगमगाहट थी। जगदीश अपने घर के आंगन में चुपचाप बैठा हुआ था और उसकी बीवी अंदर रसोई में काम कर रही थी। उस रात अचानक उसके घर शहर से उसके भाई के बच्चे राहुल और शीना आ गए थे। घर में एकदम सन्नाटा देखकर उनको बड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर उन्होंने सामने एक खंडहर सा घर देखा जिसके बाहर दो लड़कियां खुशी और पायल पटाखे जला रही थी। आओ ना दीदी, आओ ना भैया, क्या आप हमारे साथ दिवाली मनाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी यहाँ तो लग ही नहीं रहा कि दिवाली है। शीना और राहुल दोनों उस खंडहर के बाहर उन लड़कियों के पास जाते हैं। इतने में अंदर से उनके माँ बाप बाहर आ जाते हैं। आओ आओ, अंदर आओ। ठीक है, चलो राहुल चलते हैं। शीना और राहुल उन लोगों के घर के अंदर जाते हैं, पर एकदम उनके होश उड़ जाते हैं। वो लोग और वो दोनों बच्चियाँ भूत चुड़ैल बन चुके होते हैं। राहुल और शीना बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं, आओ आओ हमारे साथ दिवाली मनाओ। आओ ना, बैठो हमारे साथ, हम सब साथ में दिवाली मनाएंगे। नहीं नहीं, हमको नहीं मनानी दिवाली, हमको जाने दो। नहीं नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे, आपको हमारे साथ दिवाली मनानी ही पड़ेगी। सारे चुड़ैल और भूत शीना और राहुल को पकड़ लेते हैं और वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर उनके ताऊ ताई बाहर आते हैं। हे भगवान, ये दोनों उस भूतिया घर में कैसे पहुँच गए? चलो जल्दी, अब उनको बचाना होगा। दोनों जल्दी से उस घर में जाते हैं तो वहाँ सारे भूत चुड़ैल राहुल और शीना को पकड़े होते हैं। ताऊ जी, ताई जी, हमें बचाओ। उनको देखते ही वो सारे भूत चुड़ैल एक पल में गायब हो जाते हैं। शीना और राहुल दौड़ते हुए अपने ताऊ जी और ताई से आकर चिपक जाते हैं। ये सब क्या था ताऊ जी? तुम दोनों पहले घर चलो, फिर मैं तुमको सब बताता हूँ। सब लोग घर आ जाते हैं। फिर शीना और राहुल के ताऊ जी उनको बिठाकर उन भूत चुड़ैलों के बारे में बताना शुरू करते हैं। बच्चों, ये सब भूत चुड़ैल कुछ साल पहले साल तक एक हंसता खेलता गरीब सा परिवार यहाँ रहता था, पर अब यहाँ बस ये खंडहर घर रह गया है और हर साल ये गरीब भूतिया परिवार बस दिवाली के दिन यहाँ वापस आता है और दिवाली मनाता है। इस परिवार की वजह से ही हमने दिवाली मनाना छोड़ दिया है। हर साल वो भयानक दृश्य आंखों के सामने आ जाता है और बस मन ही नहीं करता कि हम कोई खुशियां मनाएं। पर ऐसा क्या हुआ था ताऊ जी, हमें भी बताओ ना। बताता हूँ। बहुत समय की बात है, जब इस घर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश, नीमा और उनकी दो बेटियां खुशी और पायल रहते थे। वो लोग बड़े ही गरीब थे। रमेश के पास कोई एक नौकरी नहीं थी, उसे जो काम मिलता था वो वही करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन रमेश और नीमा दोनों अपनी बेटियों के लिए बड़े परेशान थे। कुछ दिन से मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। खुशी और पायल भी अब स्कूल जाने की जिद करती हैं। स्कूल तो दूर की बात है, यहाँ मैं खाने का इंतजाम नहीं कर पा रहा। ऐसे कब तक चलेगा, अब तो दिवाली भी आनी है। दोनों नए कपड़ों की पटाखों की जिद करेंगी। देखता हूँ कुछ, क्या पता कल कोई काम मिल जाए, कम से कम ये दिवाली तो ठीक से मन जाएगी हमारी। पर अगले दिन रमेश काम के लिए निकल पड़ता है। सब जगह जाकर वो काम मांगता है, पर कहीं भी जगह खाली नहीं होती। बेचारा सुबह से शाम तक यहाँ से वहाँ काम के लिए भीख से मांगता रहता है और थक कर एक जगह बैठ जाता है। कैसे पाल पाऊंगा मैं अपना परिवार, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा, क्या मुंह लेकर जाऊं मैं अब। रमेश बैठा ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक आदमी आता है। रमेश को ऐसे देख वो उससे पूछ ही लेता है, अरे भैया इतनी रात में यहाँ क्यों बैठे हो? जी साहब, बस काम की तलाश में निकला था, पूरा दिन हो गया पर कहीं काम नहीं मिला, घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही इसलिए यहाँ बैठ गया। अच्छा, तो तुमको काम चाहिए? जी साहब, बहुत जरूरत है, दो छोटी बच्चियां हैं मेरी, घर में खाने को भी नहीं है। ठीक है, मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए, तुम कल मेरे घर आ जाना, मेरा घर यही मंदिर के पीछे वाला है, किसी से भी पूछ लेना, पवन नाम है मेरा। जी साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। रमेश को एक उम्मीद जागती है और वो घर जाकर नीमा को बताता है। नीमा भी सुनकर बहुत खुश होती है। अब अगले ही दिन रमेश जल्दी जल्दी उठकर उस सेठ के घर पहुंच जाता है। अरे आ गए तुम, आओ आओ। जी साहब जी, देखो काम तुमको अपने घर से करना होगा, मेरा आदमी तुम्हारे घर सामान भिजवा देगा और तुमको काम भी सिखा देगा, बस फिर तुमको वैसा ही करना है। जी साहब, पर काम क्या करना है? पटाखे बनाने हैं, बहुत आसान काम है, पैसे भी अच्छे दूंगा, बस किसी को पता ना चले कि तुम काम क्या करते हो। जी साहब। आखिरकार रमेश को काम मिल जाता है और वो बड़ा ही खुश होता है। सेठ का आदमी रात के वक्त रमेश के घर बोरा भर भर कर सामान पहुंचा देता है
और उसे पटाखा बनाना भी सिखा देता है। ठीक है, अब ऐसे ही तुमको पटाखे बनाकर इसी बोरे में भर देने, मैं कला कर ले जाऊंगा। जी ठीक है। रमेश और नीमा अब दोनों ही पटाखे बनाने में लग जाते हैं। नीमा को इस बात की बड़ी खुशी होती है कि वो भी रमेश के काम में हाथ बटा पा रही होती है। दोनों मिलजुल कर अच्छे से मेहनत कर रहे होते हैं। खुशी और पायल अपने माँ बाप को काम करते देख जिद करने लगती है कि उन्हें भी पटाखे चाहिए। नहीं नहीं बच्चों, ये पटाखे हमारे लिए नहीं है, बाबूजी दिवाली पर तुम्हारे लिए दूसरे पटाखे ला देंगे, अभी तुम जाओ कमरे में जाकर खेलो। क्या माँ, आप हमको थोड़े से पटाखे नहीं दे सकती क्या? किसी को क्या पता चलेगा? कोई बात नहीं, अब छोड़िए सब, माँ ने बोला है ना, वो बाबूजी से पटाखे मंगवा देंगी। चल अब हम दोनों गुड़िया से खेलते हैं। पायल और खुशी दोनों वहां से चले जाते हैं और अपनी गुड़िया से खेलने लगते हैं। रमेश और नीमा दोनों पटाखे बनाने में लगे रहते हैं। रात को जब दोनों पटाखे बनाकर सो जाते हैं तो पायल पानी पीने के लिए उठती है। इतने सारे पटाखे तो हैं हमारे पास, फिर भी माँ मुझे इनमें से एक भी नहीं देती। एक काम करती हूँ, इनमें से थोड़े से ले लेती हूँ और कहीं छुपा देती हूँ। पायल ऐसा ही करती है, वो थोड़े पटाखे निकाल कर छुपा देती है। अब अगले दिन जब सेठ का आदमी पटाखे लेकर चला जाता है, अगले दिन पायल फिर से ऐसा ही करती है, वो फिर रात को चुपके से थोड़े से पटाखे निकालकर छुपा देती है। अब पायल रोज रोज उन पटाखों में से थोड़े थोड़े पटाखे निकालकर घर के कोने में छुपा देती, जिसका किसी को कुछ पता नहीं चलता। एक रात जब दोनों पटाखे बना रहे होते हैं तो अचानक लाइट चली जाती है। नीमा मोमबत्ती जलाकर अलमारी के ऊपर रख देती है जहां पायल ने पटाखे छुपाकर रखे होते हैं। मोमबत्ती की आग वहां छुपे हुए पटाखों तक पहुंच जाती है। अचानक से घर के अंदर पटाखे फूटने लगते हैं। पायल को याद आता है कि उसने वहां पटाखे छुपाए हैं, पर वो डर के मारे चुप रहती है। पटाखों की आवाज सुनकर नीमा और रमेश दौड़ते हुए आते हैं, पर इतने में तो पूरे घर में पटाखों से आग लग जाती है। पायल और खुशी बुरी तरह चिल्लाते हुए यहां वहां भागने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया है, जल्दी से बच्चियों को बाहर ले चलो। नीमा, हमारा बचना मुश्किल है, तुम जल्दी से पायल को लेकर बाहर निकलो। मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने जैसा बोला वैसा करो नीमा, वरना हम सब मारे जाएंगे। नीमा और रमेश बहुत कोशिश करते हैं, पर आग पूरे घर में फैल चुकी होती है और चारों में से कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। उस दिवाली की रात पूरा परिवार उस आग में जलकर मर जाता है। अगले दिन बस वहां एक खंडहर रह जाता है। हमने भी उनको बचाने की बहुत कोशिश और पानी फेंकना शुरू किया, पर हम कुछ ना कर सके। पर आपको ये कैसे पता कि पायल घर में पटाखे छुपाती थी और बाकी सब भी जो उनके घर में हो रहा था? नीमा तेरी ताई को सारी बात बताया करती थी जो भी उनके घर होता था। और रही बात पायल, मरते वक्त चीख चीख कर पटाखे छुपाने की बात बता रही थी और रो रही थी, पर बेचारी, उसे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। अब क्या ये भूतिया गरीब परिवार हमेशा इसी घर में रहता है? नहीं, हमेशा नहीं, बस दिवाली। और ये भूतिया गरीब परिवार दिवाली मनाने के लिए आता है, और दिवाली उनकी अधूरी रह गई थी तो शायद उसी की वजह से वो बस उसी दिन यहाँ आता है। पर उनकी आत्मा को शांति मिलनी जरूरी है ताऊजी, हमें कुछ करना चाहिए। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए। अगर उस परिवार को साल में यहाँ आकर दिवाली मनाने में इतनी खुशी मिलती है तो यही सही। चलो खैर, बाहर बैठते हैं। हाँ, वो भूतिया परिवार अपने घर के आंगन में दिवाली मना रहे, चलो आओ देखो आकर। शीना, राहुल और उनके ताऊजी ताईजी बाहर आंगन में बैठते हैं और उस रात वो एक भूतिया परिवार को दिवाली मनाते देखते हैं। ऐसा उन्होंने कभी देखा तो क्या, कभी सुना भी नहीं होता, पर जो उस रात वो देखते हैं उनको जिंदगी भर याद रहता है। उनको उस परिवार के लिए बहुत बुरा लगता है, पर वो तब से हर साल उस भूतिया परिवार की दिवाली देखने आने लगते हैं।